मुझे गर्व है कि मैं इस पहले प्रयास का एक अहम, हालांकि छोटी भूमिका है, पर एक अहम हिस्सा हूँ। थैंक यू सो मच सर। आपको जोड़ना चाहेंगे साथ में? मैं भी वही कहना चाहूँगी जो आलोक जी ने बोला कि मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं ये रेडियो की पहली फिल्म का हिस्सा बनी हूँ। और फिल्म इसलिए अहम है क्योंकि इसका जो जो विषय है वो है माँ का आंचल, कि बेटियों को शिक्षा मिलनी चाहिए, जो कि मैं होल हार्टेडली सपोर्ट करती हूँ। हालांकि जैसे कि आलोक जी ने बोला, हमारा जो किरदार है वो ऑब्वियसली, क्योंकि हम फिल्म के माध्यम से दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे मैं उस पीढ़ी को बिलोंग करती हूँ फिल्म में, जो कि ये सोचती है, ये मानती है कि बेटी का काम होता है कि घर का काम काज सीखे, पढ़ने से क्या होगा, क्योंकि मैं भी उस व्यू पॉइंट प्रेजेंट कर रही हूँ। लेकिन एज हिमानी शिवपुरी मैं फुली सपोर्ट करती हूँ और इंडोर्स करती हूँ इस फिल्म का जो आइडिया है कि बेटियों को भी पढ़ना चाहिए और उनको भी वही फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए जो कि बेटे को मिलनी चाहिए। एंड आई एम वेरी प्राउड कि मैं इस प्रयास का एक हिस्सा हूँ, छोटा हूँ या बड़ा हूँ, लेकिन कि बेटियों को, और क्योंकि हम देख रहे हैं कि रेडियो एक माध्यम है जो कि ये मैसेज सबको पहुंचा सकता है, क्योंकि आजकल लोग रेडियो भी उतना सुनने लगे। एक ज़माना था जो आलोक जी बोले कि हवा महल सुनते थे, और मैंने भी जब मैं एनएसडी में थी तो हमने एक रेडियो का नाटक किया था, हमने उसको पहले स्टेज कर चुके थे, हमने चेरी ऑर्चर्ड किया था, एमके रैना ने उसको डायरेक्ट किया था, तो अब हम स्टूडियो में जाकर रिकॉर्ड किया था। दैट वॉज माई फर्स्ट इनकाउंटर विद रेडियो, और इतने साल के बाद, करीब आई थिंक 20 साल हो गए हैं, उसके बाद एक रेडियो फिल्म जो कि पहली बार एक प्रयास है, मैं आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट बिग एफएम एंड क्लिनिक स्पेशल दैट दे हैव कम आउट विद दिस यूनिक कॉन्सेप्ट ऑन द रेडियो, कि रेडियो की पहली फिल्म, एंड दे मेड इट इन सच अ गुड कॉज कि बेटी को भी पढ़ाना चाहिए। फिल्म का नाम है माँ का आंचल, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि फिल्म आप जरूर देखिए, मैं कहूंगी ये फिल्म आप जरूर सुनिए। देखिए फिल्में बहुत आएंगी इसके बाद, हो सकता है बहुत सारे लोग हमें कॉपी करने की कोशिश करें, लेकिन पहली चीज जो होती है वो पहली ही होती है। और मुझे लगता है कि ये पहली, जब भी नाम लिया जाएगा रेडियो के फिल्म का, तो इस फिल्म